आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। नगर निगम के माध्यम से शहर के प्रमुख चौराहों का सौंदर्यकरण और डिवाइडर को विकसित करने का काम महानगर में शुरू हो चुका है। इस समय फूल सैयद चौराहे पर और इनर रिंग रोड पर लैंडस्केपिंग का कार्य किया जा रहा है। महानगर के प्रमुख चौराहों और एमजी रोड के डिवाइडर पर हरियाली होगी। नगर निगम ने योजना तैयार कर ली है। इनर रिंग रोड के सर्विस रोड और फूल सैयद चौराहे पर सौंदर्यकरण और लैंडस्केपिंग का कार्य शुरू हो चुका है। इसमें नगर निगम अच्छा काम कर रहा है। पिछले जो मीटिंग हुई थी उसमें लगभग 15-16 करोड़ का उन्होंने ब्यूटिफिकेशन और ग्रीन करने के लिए, शहर के पॉल्यूशन लेवल कम करने के लिए उन्होंने कुछ प्लान बनाया था, जिसमें प्लांटेशन करना है। जहाँ जहाँ रोड साइड डस्ट उड़ता है उसमें मिट्टी डाल करके उसमें ग्रीनिंग की जा रही है। इसमें डीडी हॉर्टिकल्चर जो मिस्टर सिसोदिया हैं वह काम कर रहे हैं। रावली टेम्पल के पास काम कराया गया, अभी फतेहाबाद के पास काम कराया जा रहा है, और जो हमारी एनएच के बगल में हमारी जो लैंड थी जो फॉरेस्ट विभाग की, वहाँ भी हम लोग उसमें ग्रीनिंग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने डिवाइडर्स हैं जहाँ जहाँ स्कोप है वहाँ काम किया जा रहा है, और कुछ और पार्क्स भी नए बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में ताज नगरी को हरा भरा करने और चौराहों के सौंदर्यकरण की योजना तैयार की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर महानगर की सड़कों के डिवाइडर और चौराहों का सौंदर्यकरण कराया जा रहा है। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।